वकील के घर। हेलो बकार, कौन से हॉस्पिटल गई है? वो हॉस्पिटल नहीं गई है बकार, वो रिफत आंटी के घर आई। क्या? लेकिन ऐसे वक्त में तो उसको पहली फुर्सत में हॉस्पिटल जाना चाहिए, वो वहां क्यों गई? वो झूठ बोल रही है। कैसा झूठ? यही कि वो प्रेग्नेंट है, वो अपनी प्रेगनेंसी फेक कर रही है। देखो रानिया, अब तुम बहुत बड़ा इल्जाम लगा रही हो उस पर। तुम जानती हो क्या कह रही हो? कहीं इस इल्जाम के पीछे वो रिश्ता तो नहीं जो तुम्हारा अफरीन के साथ? नहीं बकार, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे शक है। आप खुद ही सोचे ना, जब मैंने आपको कहा था कि उसको चेकअप पर ले जाए, वो वहां से भी चली गई। नहीं नहीं, आंटी की तबीयत खराब थी, मैं खुद उनके घर गया था उनको देखने, वो वाकई बीमार है। मुझे आफरीन का हॉस्पिटल के बजाय यहाँ आना समझ नहीं आ रहा है। और मैं रिफत आंटी के घर के बाहर खड़ी हुई, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? अच्छा ठीक है, तुम एक काम कर, तुम फौरन घर चले जाओ, मैं बस ऑफिस से निकल रहा हूँ। चले आप आ जाए, फिर मैं चली जाऊंगी, मैं अभी फिलहाल यहीं वेट कर रही हूँ। ओके। मैं तो समझी कि आफरीन, कि तुम मेरे घर का रास्ता ही भूल गई हो। कितनी मर्तबा अपनी अम्मी के आए, ये ना हुआ कि रिफत खाला की खैर खैरियत ही पूछ लूं। क्या करती आपके घर आके? वैसे भी आपके तावीजों में अब दम तो रहा नहीं है। खैर अब ऐसा भी नहीं है, मेरे तावीजों ने काम तो बहुत किया तुम्हारा। रहने दे खाला, कोई काम नहीं किया आपके तावीजों ने, बल्कि आधे अधूरे ही काम हुए और पैसे आपने पूरे लिए मुझसे। लगता है कि कोई और आसरा मिल गया तुम्हें, वरना सौतन के होते हुए तुम इतनी मुतमईन हो, हैरत है मुझे। अब आसरा मुझे सिर्फ अपना ही है, और रही बात सौतन की, तो उसकी तो आज मैं पक्की पक्की छुट्टी करवाने वाली हूँ। जागते में ख्वाब देखना छोड़ दो आपने। मैंने तो ये भी सुना है कि वकार अब तुम्हारी सौतन को बहुत प्यार करने लगा है। वकार जैसा खुश्क इंसान किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता। इतना अरसा मैं साथ रही, मुझसे मोहब्बत नहीं की, तो रानिया से क्या खाक मोहब्बत करेंगे? तुम्हारी जलन बता रही है कि जो बात है ना, वो नहीं है।